सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पे देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसे कौन से वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। सबसे पहला नोज ब्लीडिंग यानी नाक से खून आना। दूसरा चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द होना। ये एक कांस्टेंट डीप एकिंग पेन होता है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। आप अगर डीप ब्रीदिंग भी करेंगे तो भी आपको पेन आएगा। इसके बाद कन्फ्यूजन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, वो बात बात पे चीज़ें भूल रहा है या फिर उसको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, तो माइट भी उसका ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हो। इसके बाद उसको सीवियर हेडेक होगा यानी बहुत तेज सर में दर्द होगा। साथ ही साथ उसकी जो हाथ पैर है उसके अंदर से स्ट्रेंथ जाने लगेगी यानी जनरलाइज वीकनेस एंड फटीग। इसके बाद उसको विजन में प्रॉब्लम होगी और बोलने में डिफिकल्टी होगी यानी डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। ये सब साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आपको अपना ब्लड प्रेशर उसी वक्त मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा होगा तो उसका मेडिकेशन या फिर फर्दर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है कॉन्स्टेंटली तो आगे जाके वो पैरालिसिस का रूप भी ले लेता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को आपको लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत लोगों को। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स शेयर कीजिए और इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक उत्तम नगर एंड पश्चिम विहार दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।